मात्र आपने अपने गोचर के ग्रहों को प्रसन्न करना है। जैसा कि आप जानते हैं एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, इन 365 दिनों को गोचर के हिसाब से 9 ग्रहों के बीच में डिवाइड किया गया है। किसी ग्रह को 60 दिन मिले, किसी को 52 दिन मिले, किसी को 24 दिन मिले, तो इस तरीके से अलग अलग 9 ग्रहों को अलग अलग दिन प्रदान हुए। अब देखिए, अगर आप अपने गोचर के ग्रहों को प्रसन्न करना चाहते हैं ताकि आपका पूरा साल या पूरी जिंदगी अच्छी बनी रहे, तो सर्वप्रथम आपको क्या कराना करें, अपनी गोचर के ग्रहों की कुंडली बनवानी पड़ेगी। तो जिन व्यक्तियों को यह नहीं पता कि उनका गोचर का कौन सा समय चल रहा है, कौन से ग्रह का समय चल रहा है, वो व्यक्ति हम चाहें तो हम उसकी उन सबकी इस मामले में मदद कर सकते हैं। तो वो हमको ईमेल करके या हमारी वेबसाइट पर जाके गोचर की कुंडली प्राप्त करने के लिए हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम ईमेल के माध्यम से या आप सभी को बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट के द्वारा गोचर की कुंडली बनाकर आपको आपके पूरे वर्ल्ड में कहीं जहां पर भी आप चाहेंगे वहां पर भिजवा देंगे। तो उसके लिए आपको हमारी ईमेल एड्रेस जो स्क्रीन पर आ रहा है या हमारा वेबसाइट एड्रेस जो हमारी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है या फिर आप टेलीफोन पर भी आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप हमें SMS कर सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से बात करके। पहले बात करेंगे आप, उसके बाद हमें अपना एड्रेस वगैरह SMS करेंगे, तो हम आपको निश्चित रूप से आप जहां भी कहेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर, हम आपको उस इस साल की कुंडली बनाकर आपको निश्चित रूप से भिजवा देंगे। तो अगर आपके पास है गोचर ग्रहों की कुंडली की इस वर्ष आपके ग्रह गोचर में कौन कौन से ग्रह किस समय आएंगे, कौन पहले आएगा कौन बाद में आपके लिए आएगा, मान लीजिए सूर्य आज अभी सूर्य की अब समय शुरू होने वाला है नए साल में कल से, तो अगले महीने बुध का समय शुरू होगा या केतु का समय शुरू होगा या किस तरीके से आपकी व्यवस्था बनी हुई है गोचर के लिए, उस तरीके से आपकी जन्म कुंडली में आपके गोचर ग्रह एक के बाद एक आते चले जाएंगे और पूरे 365 दिन तक आते रहेंगे। तो जब आपके पास गोचर की कुंडली होगी कि इस समय गोचर आपके गोचर में क्या समय चल रहा है, तो आप उसके हिसाब से उस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय कर लीजिए। आपके ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे और आपको निश्चित रूप से जब कोई ग्रह देवता प्रसन्न होते हैं तो आपको प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्या आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा? क्या आपका बच्चा होमवर्क करने के बजाय टीवी सीरियल देख करके बिगड़ रहा है? क्या आपका बच्चा किसी बुरी संगत में पढ़कर बिगड़ गया है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मंगल के लिए अगर आप हनुमान जी को फलों का या छोटे बच्चों को फलों का प्रसाद वितरण करेंगे तो निश्चित रूप से मंगल देवता आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे। आप हनुमान जी का तिलक भी माथे पे लगा सकते हैं। भारत के ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों की खोज और तपस्या से मनुष्य की परेशानियों को दूर करने का अद्भुत तरीका यज्ञ एवं मंत्र विज्ञान खोजा। पूरी दुनिया में अपने कष्टों को दूर करने का ऐसा कोई दूसरा साधन नहीं है। अगर आप अपने जीवन में पैसा, व्यापार, करियर, शादी, प्यार, ग्रहों का दोष, शत्रु या अन्य किसी समस्या से परेशान हैं, तो आप हमारे शनि मंदिर में गुरु रजनीश ऋषि जी और गुरु मां रुक्मिणी जी से अपने ग्रहों की परेशानियों को दूर करने के लिए स्वयं आकर या ऑनलाइन विशेष यज्ञ अनुष्ठान कराएं। गुरु मां रुक्मिणी जी अब तक विभिन्न प्रकार के हजारों यज्ञ और अनुष्ठानों को देशी और विदेशी भक्तों के लिए अपने पवित्र हाथों से सफलतापूर्वक संपन्न कर चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ज्ञान गंगा।
गंगा। भगवान विष्णु के श्री चरणों से निकल रही है ये ज्ञान गंगा। शनि देव की शनि पीठ में बह रही है ये ज्ञान गंगा। गुरु रजनीश ऋषि के आशीर्वाद से निकल रही है ये ज्ञान गंगा। आप सभी के दुख दर्द दरिद्रता मिटाएगी ये ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा।